Good morning students, this is Anil K. Sharma and welcome you to my channel Oracle Tech India. और आज हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूनिक्स या फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे वीडियोस पोस्ट की जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर डेटाबेस के फील्ड में, जैसे कि ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओरेकल डेवलपर, ओरेकल प्रोग्रामर या फिर डेटाबेस प्रोग्रामर में बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली मेरा जो ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है, इसमें मैं मोस्टली कमांड के बारे में बताऊंगा जो ओरेकल डीबीए के फील्ड में आपको आना चाहिए। तो मेरे ये वीडियो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी पार्ट वन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक भी करें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए वीडियो लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लाइनक्स क्या है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो समझते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक को हार्डवेयर बोलते हैं, दूसरे को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर क्या है वो देखते हैं। तो इट इज़ अ फिजिकल कंपोनेंट लाइक सीपीयू, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि आपका सीपीयू, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, ईटीसी। अब सॉफ्टवेयर क्या है वो देखते हैं। तो इट इज़ अ प्रोग्राम वी यूज टू गेट आवर डिजायर रिजल्ट। तो सॉफ्टवेयर क्या है, ये प्रोग्राम है और प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है ताकि हम डिजायर रिजल्ट को गेट कर सके, प्राप्त कर सके। तो सॉफ्टवेयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सॉफ्टवेयर को फिर से दो भागों में बांटा जाता है, एक को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं और दूसरे को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एक कंप्यूटर का जो फिजिकल कंपोनेंट्स है वो कैसे कैसे वर्क करेगा, तो उसको वर्क करवाने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए हमें जो है इन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो है कौन कौन से फिजिकल कंपोनेंट्स एक्टिव होंगे, उन सारे फिजिकल कंपोनेंट्स को एक्टिव करने का काम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो इट डायरेक्टली डील्स विद द सिस्टम लाइक इट इज़ ए सॉफ्टवेयर वेयर एंड विच इट डायरेक्टली कंट्रोल्स द कमांड गिवन बाय द यूजर। तो ये डील करता है सिस्टम के साथ, फिजिकल कंपोनेंट्स के साथ। जैसे कि एक यूज़र ने कोई कमांड दिया है अपने सिस्टम पर बैठ करके, तो वो कमांड जो है फिजिकल कंपोनेंट्स के किस कंपोनेंट के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, मतलब उसके लिए कौन सा फिजिकल कंपोनेंट एक्टिव होगा, वो एक्टिव कराने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके पीसी पे जो विंडो होता है, विंडो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो विंडो का काम क्या होता है कि विंडो डालेंगे उसके बाद ही कोई एमएस ऑफिस वगैरह डालेंगे, कोई मीडिया प्लेयर डालेंगे, तो एमएस ऑफिस तभी चलेगा, मीडिया प्लेयर तभी चलेगा जब उसमें विंडो का सॉफ्टवेयर होगा, विंडो का मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो उस विंडो का सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जो भी आप एमएस ऑफिस का उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो वो एमएस ऑफिस में जो भी कमांड आप चला रहे हैं, तो वो कमांड चलाने के लिए कंप्यूटर के अंदर कौन सा फिजिकल कंपोनेंट्स एक्टिव होगा, तो वो फिजिकल कंपोनेंट्स को कंट्रोल या एक्टिव कराने के लिए जो काम करेगा वो आपका विंडो करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आप अपने डिज़ायर्ड के अनुसार एक सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए आप एक मेडिसिन की दुकान खोल रखी है, शॉप खोल रखी है, तो उसमें आपके पास बहुत से लोग आते हैं, दवाइयां खरीद करके ले जाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप पेन और कॉपी पे दवाइयों के नाम लिखते जाएँ और एक महीने में
फिर आप सारा देखिए कि एक महीने में कितने कस्टमर आए, कितनी दवाई बिकी, कितने की दवाई बिकी, तो मैन्युअली आप पेन से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपने अपने डिजायर के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर बनवा रखा है, तो हर रोज आपके पास जो है कस्टमर आते हैं दवाई खरीदने के लिए, आप उन दवाइयों को सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करते हैं और दवाई बेचते हैं, और एक महीने के बाद जो है आप उस सॉफ्टवेयर की मदद से एक सेकेंड में, एक महीने में कितनी दवाइयाँ बिकी है, कितनी दवाइयों की सेल हुई है, वो सारा कैलकुलेट एक सेकेंड में आप कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो वो सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इट इज़ डिज़ायर सॉरी इट इज़ डिज़ाइंड बाय द प्रोग्रामर एंड एंड यूजर्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है या फिर एंड यूज़र जैसे कि हम लोग हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करवाता है प्रोग्रामर से। टू गेट डिज़ायर रिजल्ट, डिज़ायर रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, और प्रिपेयर द रिपोर्ट, और जो है कंपनी में रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए अपने हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र डिज़ाइन करवाता है। तो एमएस ऑफिस क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में बहुत सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मीडिया प्लेयर जिस पर आप गाना वाना सुनते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब देखते हैं कि इन्वेंशन ऑफ यूनिक्स कैसे हुआ, मतलब यूनिक्स का आविष्कार कैसे हुआ। तो इट वॉज ओरिजिनली डिजाइंड एट बेल लेबोरेटरीज। तो इसका जो है ओरिजिनली डिज़ाइन इसको किया गया था बेल लेबोरेटरी में, जो न्यू जर्सी में है, यूनाइटेड स्टेट में। तो इसको डिज़ाइन किया था ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो पीपल के एक स्मॉल ग्रुप ने इसको डिज़ाइन किया था, जिसमें केन थॉम्सन का नाम सबसे ऊपर है, डेनिस रिची है, उसके बाद ब्रियन कर्निंगन आते हैं, डॉगलस मैकल रॉय आते हैं, एंड जू ओसन्ना ये आते हैं। तो इन सब लोगों ने जो है एक प्राइवेट रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में इसको स्टार्ट किया था, और 1969 में यूनिक्स को इन्वेंट किया था। तो अब देखते हैं कि यूनिक्स के अंदर कौन कौन से फीचर है। तो इट इज़ वेरी पॉपुलर ड्यू टू इट्स मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, नेटवर्क कैपेबिलिटी। तो यूनिक्स के अंदर जो है मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट का फीचर है, मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट का फीचर है, ये फ्लेक्सिबल है यूज़ करने में, इसमें पोर्टेबिलिटी के फीचर है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है इसके अंदर, और नेटवर्क कैपेबिलिटी है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। बट इसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो है मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट। तो देखते हैं मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इन ए मल्टी यूज़र सिस्टम, मल्टी यूज़र सिस्टम में क्या होता है कि मेनी यूजर्स कैन यूज़ द सिस्टम साइमल्टेनियसली। तो एक कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे यूज़र्स जो है एक ही टाइम में जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा जो फीचर है वो मल्टी यूज़र सिस्टम का फीचर है। दूसरा फीचर जो है वो है ए मल्टी टास्किंग सिस्टम इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग मल्टीपल जॉब्स। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल जॉब्स को ये करने में जो है यूनिक्स कैपेबल है, तो इसको मल्टी टास्किंग सिस्टम का फीचर बोलते हैं। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्री लेयर्स होते हैं। पहले को कर्नल बोलते हैं, दूसरे को शेल बोलते हैं, और तीसरे को एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज बोलते हैं। तो ये तीनों लेयर्स मिल करके जो है यूनिक्स को एक पोर्टेबल मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देखते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यूनिक्स में हार्डवेयर के अलावा तीन लेयर्स होते हैं, एक को कर्नल बोलते हैं,
और दूसरे को शेल बोलते हैं और तीसरे को यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है और यहाँ बीच में जो है वो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर के अलावा फर्स्ट लेयर जो है वो कर्नल का है और उसके बाद ये जो है ये सारे यूटिलिटी कमांड है, यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री डिफाइंड यूनिक्स के कमांड्स है। इसको हम यूटिलिटी कमांड बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। और तीसरा जो लेयर है वो शेल का लेयर है। तो एक एक करके समझते हैं कि कर्नल क्या है, फिर समझेंगे कि शेल क्या है और उसके बाद समझेंगे कि यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है। तो देखते हैं कि कर्नल क्या है। तो कर्नल क्या है, कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोगों को पता होगा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हार्ट होता है। तो बॉडी के अंदर हार्ट का क्या काम होता है, तो सेम वही जो है काम ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का होता है। तो कर्नल क्या है, इट इज ए लार्ज प्रोग्राम लोडेड इन टू द मेमोरी वेन द मशीन इज टर्न ऑन। तो जब भी हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो इसके मेमोरी में सबसे पहले कर्नल ही लोड होता है जा करके। तो कर्नल क्या है, एक लार्ज प्रोग्राम है। तो ये कर्नल क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। तो यूजर जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठ करके कोई भी कमांड्स वो जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखता है, तो वो कमांड जो है उस कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो है कौन कौन से हार्डवेयर रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हार्डवेयर रिसोर्सेस एलोकेट करता है, सपोर्ट करता है कर्नल। यानी कि कर्नल क्या करता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में काम करता है। तो इट कंट्रोल्स द एलोकेशन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेस। तो यूजर ने कमांड प्रॉम्प्ट पे, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी कमांड लिखी है, तो उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर रिसोर्सेस की ज़रूरत है, तो उन हार्डवेयर रिसोर्सेस के एलोकेशन को कर्नल क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब कर्नल डिसाइड करता है कि कितना हार्डवेयर रिसोर्सेस इस कमांड को चलाने के लिए मुझे सपोर्ट करना है। तो द कर्नल नोज वट हार्डवेयर रिसोर्सेस, और कर्नल को पूरा हार्डवेयर रिसोर्सेस के बारे में पता होता है। तो इट हैज नेसेसरी प्रोग्राम टू टॉक टू ऑल द डिवाइस कनेक्टेड टू इट। तो कर्नल के साथ ही बहुत सारे इसके अंदर छोटे छोटे और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है लिख करके डाले जाते हैं। तो वो प्रोग्राम क्या करते हैं कि जो है सिस्टम के साथ जितने भी डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो किस किस डिवाइसेस के साथ जो है इंटरफेस करना है, टॉक करना है, तो कर्नल के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स लिखे गए वो सारे प्रोग्राम्स एक्टिव हो जाते हैं डिवाइस से जो है टॉक करने के लिए। और कर्नल से जैसे ही उसको सिग्नल मिलता है कि कमांड जो यूजर ने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखी है उस कमांड को चलाने के लिए जो है कौन सा हार्डवेयर चाहिए, तो कर्नल बताता है। तो कर्नल क्या करता है, कर्नल में लिखे गए दूसरे प्रोग्राम्स उस हार्डवेयर के साथ टॉक करके, इंटरेक्ट करके उस हार्डवेयर को रिलीज कर देता है। तो द कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल सिस्टम एंड यूजर टास्क आर परफॉर्म कनकरेंटली। तो ये कर्नल ही होता है जो एंश्योर करता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है और वो टास्क परफॉर्म जो है कनकरेंटली, क्योंकि मल्टी यूजर का एनवायरनमेंट है तो एक टाइम पर बहुत सारे यूजर्स जो है कोई भी कमांड चला सकता है। तो हर कमांड को कंट्रोल करने का काम जो है कर्नल का ही होता है। तो द कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल सिस्टम एंड यूजर टास्क आर परफॉर्म कनकरेंटली। तो ऑल सिस्टम एंड यूजर टास्क को परफॉर्म करवाने का काम जो है वो कर्नल का ही होता है। अब देखते हैं कि शेल क्या है। तो शेल इज द प्रोग्राम दैट सिट्स बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल। तो शेल जो होता है, शेल एक प्रोग्राम है और ये जो है कर्नल और यूजर के बीच में होता है। यानी कि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब कोई कमांड टाइप करता है
तो वो कर्नल के पास उसका कंट्रोलर जाना चाहिए, बट यूजर और कर्नल के बीच में एक प्रोग्राम होता है जिसको शेल बोलते हैं। तो शेल का काम क्या होता है, ये एक इंटरप्रेटर होता है, इट इज द इंटरप्रेटर दैट ट्रांसलेट्स द कमांड इनटू एक्शन। तो शेल का काम क्या होता है, ये एक इंटरप्रेटर होता है और जो भी यूजर कमांड टाइप करता है उस कमांड को एक्शन में ट्रांसलेट करता है, और उसके बाद जो है कर्नल से कम्युनिकेट करता है। तो यूजर कैन टाइप कमांड्स डायरेक्टली इनटू द टर्मिनल, तो यूजर जो है डायरेक्टली अपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कमांड को टाइप कर सकता है, या फिर एक टेक्स्ट फाइल बना करके उसमें कई सारे कमांड्स उसमें डाल सकता है। तो फिर इस तरीके से वो टेक्स्ट फाइल या वो कमांड शेल के पास चली जाती है। तो एक टेक्स्ट फाइल में जब हम सीरीज ऑफ कमांड्स लिखते हैं तो उसको शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है फॉर इच यूजर लॉग्ड इन देयर इज अ शेल इन एक्शन। तो जितने भी यूजर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉग इन करते हैं तो हर यूजर के लिए एक शेल एक्शन में आ जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो व्हेन ए कमांड इज गिवन बाय द यूजर, जब यूजर एक कमांड को टाइप करता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तो इट इज एग्जामिन्ड बाय द शेल। तो इसको सबसे पहले एग्जामिन करता है शेल, और शेल एग्जामिन करने के बाद फिर कम्युनिकेट करता है कर्नल से एग्जीक्यूशन के लिए। तो शेल क्या करता है कि देखता है कि यूज़र ने कौन से कमांड्स राइट किए हैं और यूज़र जो है उस कमांड के थ्रू क्या चाह रहा है। तो फिर जो है कर्नल से शेल कम्युनिकेट करता है, और कर्नल से जो है उसको अप्रूवल मिलने के बाद जो है वो उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता है। और फिर कर्नल क्या करता है, उस कमांड को रन करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं वो एलोकेट कर देता है। तो द फंक्शन यूज टू कम्युनिकेट विद द कर्नल आर कॉल्ड सिस्टम कॉल्स एंड आर बिल्ट इन टू द कर्नल। तो जब शेल कर्नल से बात करता है तो वो कर्नल से बात नहीं करता, कर्नल के अंदर सिस्टम कॉल्स नाम के प्रोग्राम्स डिफाइन होते हैं, तो शेल उस सिस्टम कॉल से कम्युनिकेट करता है। तो ये था शेल के बारे में, बस थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली ये समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिकल करेंगे इसमें। इसमें अलग अलग कमांड्स चला करके जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये शेल का क्या काम होता है। अब देखते हैं एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये थर्ड एंड लास्ट जो लेयर है एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज का होता है। तो एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी लेयर इन यूनिक्स सप्लाई हायर लेवल ऑपरेशंस सच एज इनपुट इंटरप्रेटर शेल लैंग्वेज कंपाइलर टेक्स्ट एडिटर मेल हैंडलर GUI एंड मैनी अदर टूल्स। तो एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी का ये लेयर क्या करता है कि हाई लेवल के ऑपरेशंस को ये सप्लाई करता है, जैसे कि शेल लैंग्वेज कंपाइलर इसको प्रोवाइड करता है। तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने तरह के शेल्स होते हैं, तो वो सारे शेल्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर ये प्रोवाइड करता है, मेल हैंडलर मेल को हैंडल करने के लिए प्रोवाइड करता है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है, और मैनी अदर टूल्स ये प्रोवाइड करता है। तो ये लेयर है क्या, इट इज़ ए सेट ऑफ स्मॉल प्रोग्राम। तो इसमें जो है स्मॉल प्रोग्राम के सेट होते हैं, और दे आर एक्सेस्ड बाय टाइपिंग द कमांड्स टू स्टार्ट द प्रोग्राम ऑन कमांड लाइन। और यूजर्स जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड लाइन पर कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जो है कमांड्स को टाइप करता है। तो जब भी वो कमांड्स को टाइप करते हैं तो एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी वाला जो लेयर है वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी के लेयर से ही
लेयर की हेल्प से ही हम किसी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यूनिक्स प्रोवाइड्स सेवरल हंड्रेड यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑफन रेफर टू एज कमांड। तो यूनिक्स जो है सेवरल हंड्रेड यूटिलिटी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है और उसी यूटिलिटी प्रोग्राम्स को हम कमांड कहते हैं। तो जैसे ls कमांड, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि ls कमांड क्या है, cp कमांड क्या है, grep क्या है, उसके बाद awk क्या है, sed क्या है, bc कमांड क्या है, wc कमांड क्या है, more कमांड क्या है एंड सो ऑन। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स का मतलब यहाँ पर कमांड से है, यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी कमांड्स होते हैं उसको यूटिलिटी प्रोग्राम्स बोलते हैं। फिर उसी तरीके से लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन टिपिकली कम विद सेवरल यूजफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एज स्टैंडर्ड। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है लिनक्स जो है वो प्रोवाइड करता है बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी ये प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इमैक का एडिटर, इमैक एडिटर, उसके बाद XV एक इमेज व्यूअर का एडिटर है वो प्रोवाइड करता है ये, XFIG एक ड्राइंग पैकेज है ये, इसका एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है यूनिक्स, उसके बाद लेटेक्स एक पावरफुल टाइप सेटिंग लैंग्वेज है ये प्रोवाइड करता है, उसके बाद सॉफिस, इसको स्टार ऑफिस बोलते हैं जो MS ऑफिस जैसा ही है, और जो है वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट के फाइल्स को ये रीड और राइट कर सकता है। तो सॉफिस जैसे एप्लीकेशन को भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी पार्ट वन जो है हमारा यहीं पे फिनिश होता है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।